पूल में थोड़ी स्विमिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक पूल है। ये देखो भाई, दिख रहा होगा आपको, स्विमिंग पूल है, लोग स्विम कर रहे हैं। तो गाइज देखो, पहुँच गए हैं वापस इंडिया, अपना शहर दिल्ली। ये रहे हमारे सारी गैसकेट, सीलें, पिस्टन रिंग, सब कुछ इसमें, इनवॉइसेस साथ में लेके जा रहा हूँ, सारी गैस। सो वेलकम बैक गाइज। तो आज एक बड़ा स्पेशल दिन है, देखो रात के बज गए हैं, आई गेस रात के 11 बज गए हैं। आप गैस करो, अभी भी मैं काम करके आ रहा हूँ, हाथ देखो गंदे हुए ना, और 11 बज गए हैं, रात के काम करके आ रहा हूँ। अभी कुछ ट्रेलर में कुछ फिक्स करना था मेरे को, था कि मैंने वो शूट नहीं करा, सुबह मैं जाना है एयरपोर्ट पे सुबह 5 बजे, 11 बज गए, रात को सोऊंगा नहीं मैं, क्योंकि फ्लाइट में सोना चाहता हूँ, इंडिया की जाने की बारी आ गई है। और गैस करोगे आप, इतना बिजी होता हूँ कि अभी तक मैंने बैग अपना पैक नहीं किया हुआ है, अभी घर पर जाके बैग भी पैक करना है, अपने आप को तैयार करना है, सामान क्या लेके जाना है। और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई कि भाई जाने से थोड़े दिन पहले मेरा वॉलेट गुम हो गया, उसमें पैसे भी थे थोड़े, मेन था मेरा लाइसेंस जो मैंने वापस ले लिया, कार्स वगैरह गुम हो गए, चलो वो तो कोई बात नहीं वापस आ जाएंगे, बट हाँ लाइसेंस ले लिया, क्योंकि इंडिया में अगर ड्राइव करनी है तो लाइसेंस चाहिए। अभी घर जाते हैं, पैकिंग करते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। कुछ सामान लिया मैंने इंडिया में अपने V8 प्रोजेक्ट के लिए और अपनी थार के लिए, V8 प्रोजेक्ट के लिए खास कर, और वो सारा कुछ परफॉर्मेंस पार्ट्स हैं। घर में जाता हूँ, अपना बैग पैक करता हूँ, कपड़े डालता हूँ, कपड़े इतने नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, हफ्ते डेढ़ के लिए, और फिर मिलते हैं ये घर में पहुँच के जल्दी जल्दी से। एक सिम भी लेनी है एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरी जो वर्क सिम है वो यहाँ पे अपने भाई को देके जा रहा हूँ, कि जो सुबह कॉल्स वगैरह आएंगी फिर उसको आएंगी, फिर मेरे को डाइवर्ट कर देगा, तो और मिलते घर जाके, ठीक है। सो गाइज घर वापस आ चुके, रात के बज गए हैं 12, और देखो कितना लेजी हूँ, पैकिंग अभी करना स्टार्ट करी है मैंने, और बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़ें लेके जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं स्पेशली जा भी रहा हूँ थोड़ा सा फन के लिए। ये हमारा V8 की हेड गैसकेट, सॉरी रॉकर कवर गैसकेट जो मेटल में आती है वो है, इसके दो सेट होंगे ना, अभी डब्बे वगैरह में डाल के अच्छे से ले जाऊँगा। ये रहे हमारे फॉल्ट परफॉर्मेंस कॉनरॉड्स, इसके इधर लगते हैं हमारे पिस्टन्स, ठीक है। ये रे पूरा सेट है, दो डब्बे हैं, इसको भी पैक करना है अभी। ये हमारी टाइमिंग बेल्ट, ठीक है, उसके बाद ये रहे हमारे परफॉर्मेंस बेयरिंग, ठीक है, और नीचे भी गिर गए हैं थोड़े से, निकालने पड़ेंगे। ये रहे हमारे परफॉर्मेंस बेयरिंग, इसको फिक्स करता हूँ, और ये दूसरा वाला हमारा रॉकेट कवर गैसकेट। ये रहे हमारे सारी गैसकेट, सीलें, पिस्टन रिंग, सब कुछ इसमें, इनवॉइसेस साथ में लेके जा रहा हूँ, सारी गैसकेट सब की सब, ओ रिंग्स वगैरह सब कुछ, इंजेक्ट सब कुछ, मतलब सारी पूरी उसकी इंजन की हर एक गैसकेट है इसमें, हर एक ए टू लेके जेड तक, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ये भी दूसरे परफॉर्मेंस बेयरिंग्स, और क्या है भाई, सामान तो काफ़ी है। ये रहा हमारा, ये क्या था, याद तो नहीं आ रहा, हाँ ये देख, ये थे आई थिंक इसको कहते हैं जो रॉकेट कवर गैस, रॉकेट कवर के नीचे स्प्रिंग जाते हैं ना, ये वो स्प्रिंग्स हैं। और उसके बाद ये रहे हमारे परफॉर्मेंस स्टड्स, हेड बोल्ट्स जो हेड इसके हेड को कनेक्ट करते हैं, ये परफॉर्मेंस वाले हैं, मतलब कि नॉर्मल मेटल से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये रहा हमारा पिस्टन रिंग्स, इसका पूरा सेट है सारे रिंग्स के, सारे पिस्टन का, ठीक है। और हमारा एक हमारा परफॉर्मेंस फ्यूल पम्प जो टैंक के बीच में जाता है, ये वो वाला है। और ये हमारे इतने से डब्बे में परफॉर्मेंस इंजेक्टर्स जो क्योंकि सुपर चार्जर बहुत बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसके इंजेक्टर्स लिए हैं। थोड़ा और सामान है, और मैंने एक ये गिम्बल लिया है इसका, DJI का। अच्छे अच्छे से आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे, मेरा गिम्बल इसमें पैक पड़ा हुआ है, और अभी बैग पैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। भाई बहुत बिजी था काम पे, अब लेजी भी था तो कुछ भी नहीं किया हुआ, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग करना, होपफुली एक दो मिनट में, सॉरी 4-5 आधे घंटे में हम सब पैक कर देंगे, बैग पैक कर देंगे। मेन है ये सामान जो मैंने पहुंचाना है इंडिया, और इसकी कस्टम्स क्लियर कराने, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो
करते हैं बैग पैक, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं ऊबर लेके, ये रहे मेरा बैगेज, वेट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा आई गेस आधा एक घंटे में चेक इन स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो बस इंतज़ार ही है, अभी ये तो एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा क्वाइट है, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। चेक इन का टाइम आ गया, छोटी सी लाइन है, ठीक है, चेक इन के लिए लग गए हैं, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। चलो अब फिर से कहूँगा चेक इन कराते हैं, फिर मिलते हैं। नींद अभी तो बहुत ज़्यादा आई है क्योंकि रात को सोया नहीं है और अभी भूख भी बहुत लगी है। जैसे यहाँ से आगे निकलेंगे खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। इमिग्रेशन पास कर लिया है, बैगेज की चेकिंग हो गई है, चेक इन हो गया है, जो हैंड लगेज की भी चेकिंग हो गई है। अब बस अपने गेट की तरफ जाना है, उससे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इस टाइम वक्त हो रहा है, कितना हो रहा है भाई बता, क्यों नहीं रहा, आई थिंक 6:30-7 बजे, 8:45 को 8:45 को हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब 8:45 मतलब 9 बजे के करीब मैं जाऊंगा, उससे पहले कुछ खाना है, फिर करते हैं अपनी पेट पूजा, फिर नहीं नहीं उसके बाद खाना है, पेट पूजा वो हो जाएगी, फिर आगे जाएंगे। ठीक है गाइस, पहले कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। तो फाइनली बैठ गया हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी तो वेट नहीं किया, मैकडी ले लिया, बर्गर, थोड़ी फ्राइज और कोक। तो बैठ के इंजॉय करता हूँ मील, फिर आपको आगे मिलते हैं। हालत आप देख ही सकते हो मेरी क्या हो गई है नींद से, होपफुली अभी नींद ना आए और फ्लाइट में जाके बहुत ज़्यादा नींद आए, मज़ा आ जाएगा। तो गाइज देखो पहुंच गए हैं वापस इंडिया, अपना शहर दिल्ली। गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। ये अपने रिके भैया भी आ गए जम्मू से। चलो ठीक है, तो गाइज आ गए थे रूम में हम अपने, फ्रेश होना थोड़ी देर में, तो बढ़िया है। बाथरूम चेक ही नहीं किया अभी तक। सही है। ठीक है, तो अभी मैं और रिकी भैया सोच रहे हैं पहले यहाँ के पूल में थोड़ी स्विमिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक पूल है। ये देखो भाई, दिख रहा होगा आपको, स्विमिंग पूल है, लोग स्विम कर रहे हैं। अभी चले जाएं तो सही है, बाद में मेरे को नहीं लगता 10 बजे तक बंद कर देते हैं। तो पहले स्विमिंग पूल जाएंगे, उसके बाद कहीं बाहर घूमने जाएंगे, खाना पीने खाना है, फिर चलते हैं क्लब वगैरह। थैंक यू गुलाब जी। अच्छा ये भैया भैया ने शूज़ दिए, अपनी शर्ट ली है भैया ने, शूज़ दिए, ठीक है, ये भैया ने मेरे को दिए। तो गाइस अभी आए थे, जैसा आपको बताया स्विमिंग पूल जाना है, नहा नू लिया स्विमिंग पूल में, ये हमारा होटल है, तो फ्रेश हो गए हैं, शावर ले लिया साथ में। अभी घर में कमरे में जाते हैं, तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं कुछ खाने पीने को, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। एयर इंडिया की फ्लाइट में अच्छा कुछ भी नहीं मिलता, सब गंद मिलता वहाँ पर। ठीक है, और रिकी भैया शूज़ पहन रहे हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस तैयार हो गए हैं, देखो असी मैं और रिकी भैया हूँ जा रहे हैं, असी खान पीन बाहर दोनों तैयार हो गए हैं, तो चलते हैं। रिकी भैया नहीं, हौस खास नहीं जाना। और कुछ खान पीन चलाएंगे अच्छी वजह से। अच्छा उधर रेस्टोरेंट से काफ़ी। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर तू आ गए असी वापस होटल में, चाह तैयारी हो गई है, रोटी खा ली है, साढ़े पराठे आ गए सी। असी होटल तो नहीं ऑर्डर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सी, हमने बाहर से मंगाया पनीर और आलू का परांठा, चाय भी बाहर से मंगाई। अभी खा खू के वेले हो गए हैं, रूम में बहुत खलारा पड़ा हुआ है, देखो अगर हमारे गाड़ी का सामान पड़ा हुआ है। बाहर का होटल का व्यू देखो भाई, ये वही स्विमिंग पूल है जिधर हम रात को नहाए थे कल रात को। और एक चीज़ देखो, क्या ना फ्लाइट से दिखता कि बहुत जंगल है, जब नीचे रोड पे घूमो हमें जंगल दिल्ली में दिखता ही नहीं है, पर सीरियसली बहुत ज़्यादा ग्रीन है। तो होपफुली अभी रेडी होते हैं, रिकी भैया गया वॉशरूम में और हम रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं। शोएब भाई से भी हम रात को मिल चुके हैं थोड़ा, क्योंकि उन्हें अपने होटल में जाना था, वो उधर चले गए। यहाँ पे हमने चेक करा, वो यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं था कोई, ऑलरेडी सोल्ड आउट था, तो उनको थोड़ी सी दूर होटल दूसरा मिला, तो अभी वहाँ पे मिलते हैं।
उनसे दोबारा, फिर चलते गगन भाटिया के पास और पाजी के पास जाके अपनी गाड़ी देखते हैं, अपनी V8 प्रोजेक्ट भी और अपनी थार भी, जो होपफुली आज नहीं तो कल में तैयार हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो स्टे ट्यून्ड, ऐसे प्यार दिखाते रहें और प्लीज नए नए कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No.